यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिसार के गांव राखीगढ़ी में जिला प्रशासन 201 मकानों को तोड़ने के लिए पूरे अमले के साथ पहुंच गया है। जिस जगह से ये 201 मकान बने हैं वो हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रशासन का अमला मकान तोड़ने के लिए पहुंच चुका है। ग्रामीणों की जमीन खाली करवाने के एवज में जमीन की मांग उनकी ओर से की जा रही है। पुरातत्व विभाग इस जगह पर खुदाई कर इतिहास का पता लगाना चाहता है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय लोहान हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरीके से 201 मकानों को तोड़ने के लिए प्रशासन वहां पर पहुंच गया है, हालांकि सीएम की ओर से पहले आश्वासन भी दिया गया है कि नहीं तोड़ा जाएगा मकानों को, लेकिन बावजूद इसके पहुंच गया है प्रशासन, ज्यादा जानकारी क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि जो गांव के लोग हैं उनकी वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु से और मुख्यमंत्री से भी इस बारे में काफी बात हुई है और मुख्यमंत्री ने इन लोगों को यह आश्वासन दिया था कि किसी भी हाल में आपके आशियानों को टूटने नहीं दिया जाएगा और फिर भी अगर ऐसी कोई नौबत आती है तो निश्चित रूप से आपको जमीन के बदले जमीन और मुआवजा इसका प्रबंध कहीं ना कहीं से सरकार करने की कोशिश करेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज बगैर बताए गांव वालों ने इसकी इस भड़क तक नहीं लगी और पूरे गांव को छावनी में सुबह 7 बजे ही तब्दील कर दिया गया और उसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल के जो आलात है वो भी वहां पे पहुंच गए और मकानों को 4 जेसीबी है 5 जेसीबी उनके माध्यम से उनको जो उसके मकानों के बाहर जो बाड़ा बना हुआ था उस बाड़ों को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन गांव वाले इस बात के बिल्कुल विरोध में थे कि उनके मकानों को नहीं तोड़ा जाए क्योंकि वो पिछले 300-400 सालों से यहां पर रह रहे हैं और इतने लंबे समय से उनको यहां पे रहने का अधिकार था और अब उनके मकानों को बगैर बताए बगैर उनको कोई आर्थिक सहायता दिए उनके मकानों को तोड़ा जा रहा है, इस बात को लेकर विरोध है। हालांकि प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने यह साफ कर दिया कि उनकी मजबूरी है, कोर्ट के आदेश है, तो कोर्ट के आदेशों की पालना करवाते हुए उनको ये मकान तोड़ने पड़ेंगे। जी बिल्कुल अजय, अगर फिलहाल की स्थिति की बात कर ली जाए, अभी वर्तमान स्थिति की बात की जाए, तो क्या मकानों को तोड़ना शुरू कर चुका है प्रशासन? जी देखिए, अगर हम मकानों को तोड़ने की बात करें तो सुबह 7 बजे पूरी पुलिस फोर्स यहाँ पे पहुंच चुकी थी और 7 बजे ही उन्होंने मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही गांव वालों का विरोध हुआ तो गांव वालों के विरोध के बाद प्रशासन ने अपनी जो कहीं ना कहीं साख बचाते हुए मकानों को तो नहीं तोड़ा, लेकिन मकानों के बाहर जितने भी बाड़े बने हुए थे, जितनी भी 4 दीवारियां निकली हुई थी, उन तकरीबन अगर हम डीएसपी की बात करें तो डीएसपी का जब हमने अभी वर्जन लिया तो डीएसपी साहब ने ये कहा कि हमने 44 जो मकानों के जो बाड़े थे उन सबको तोड़ दिया है और अभी धीरे धीरे जो है मकानों की बारी आएगी। लेकिन गांव वालों के विरोध के चलते अब कहीं ना कहीं प्रशासन रुक गया है और बैकफुट पे यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं वापिस जाने की दिशा में प्रशासन चल पड़ा है और अभी गांव वाले यहाँ पे मीटिंग करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि आगामी क्या निर्णय रहेगा। अजय, जिस तरीके से भारी पुलिस बल यहाँ पर देखा जा रहा है, करीब कितनी संख्या में पुलिस यहाँ पर पहुंची है? देखिए, अगर हम पुलिस की बात करें तो तकरीबन 3 से 4 जिलों की पुलिस को यहाँ पे बुलाया गया है और पुलिस के जो 3-3 डीएसपी हैं, 2-3 डीएसपी है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है, 2-2 तहसीलदारों को यहाँ पे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात किया गया है। खुद अजय, आपको रोकना चाहूंगी, रमेश कुमार जिला पार्षद हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद जी। सर, जिस तरीके से कार्रवाई तो सुबह से ही शुरू कर दी गई है प्रशासन की ओर से, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति है, क्या मकानों को तोड़ना शुरू कर दिया है? उन्होंने कुछ मकाने तोड़े हैं जी, जी लगभग कुछ बाड़े हैं, कुछ घेर हैं, पशुओं के बाड़े ये तोड़े हैं, उसके बाद कार्रवाई उन्होंने बंद कर दी है। तो दोनों गांव में पूरा रोष है, जैसे ही गांव को पता लग गया तो दोनों गांव इकट्ठा होने शुरू हो गए, तो उन्होंने अपना पुलिस प्रशासन को पीछे हटा लिया और अपनी जेबसी वगैरह लेकर वो निकल गए। कुछ बाड़े, कुछ मकाने, ये जो ना घेर वगैरह जो पशुओं के बाड़े तोड़े हैं। रमेश जी, जिस तरीके से पहले भी आश्वासन जो है वो सीएम की ओर से दिया गया था कि नहीं तोड़ा जाएगा मकानों को, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन वहां पर पहुंच गया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो ऐसे में क्या कदम अब ग्रामीण उठा सकते हैं? देखिए, हमारे को मंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था भी आपको मुआवजा देंगे, जमीन अलाट कराएंगे और जब तक मकान नहीं तैयार होते तब तक ये मकान नहीं तोड़ेंगे, इसमें शिफ्ट करा के मकान तोड़ेंगे। लेकिन ये पुलिस प्रशासन ने हमारे को बेखबर बगैर बताई ये कार्रवाई कर दी और जैसी दोनों गांव में रोष पनपा, दोनों गांव इकट्ठा होना शुरू हो तो उन्होंने अपना कदम पीछे हटा लिया और वो अपना अमला लेकर वापस हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश कुमार खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए।
अजय लोहान, आपसे जानना चाहूंगी कि आगे ग्रामीण जो है वो क्या कुछ रणनीति अपना सकते हैं, उनकी तरफ से किस तरह से प्रदर्शन भी वो कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मकान के बदले मकान की मांग वो कर रहे हैं। देखिए, अगर हम ग्रामीणों की बात करें तो ग्रामीणों का ये साफ तौर से कहना है कि प्रशासन ने और साथ में सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, क्योंकि उनको आश्वासन दिया गया था कि किसी भी हाल में आपके मकान नहीं टूटेंगे, और अगर मकान टूटते भी हैं तो आपको इसके बदले जमीन के बदले जमीन और मुआवजा दिया जाएगा, ऐसा सरकार की तरफ से आश्वासन देने की बात कही गई थी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और ना ही इनको नोटिस दिया, इस बात को लेकर काफी रोष है। और जैसा कि अभी हम जिला पार्षद रमेश कुमार को सुन रहे थे, उन्होंने भी ये साफ कर दिया कि गाँव के लोग अभी इकट्ठा होंगे, और जिस प्रकार इन्होंने पहले जो कड़कड़ाती ठंड थी नवंबर दिसंबर के महीनों में इन्होंने तकरीबन 22-23 दिन आंदोलन किया था, अनेक विपक्षी पार्टियां इनको समर्थन देने के लिए पहुंची थी। आज भी अगर हम बात करें तो कुलदीप बिश्नोई का भी अभी बयान आया कि ऐसे मकान नहीं टूटने चाहिए, तो कहीं ना कहीं राजनीति वहां पे देखने को मिली थी। लेकिन अगर गाँव वालों की बात, गाँव वाले वास्तव में इस बात को लेकर परेशान है कि 300-400 सालों से वो यहाँ पे रह रहे हैं, अब आखिरकार अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए, इसी बात के लेकर आज हो सकता है कि कोई पंचायत करे और निश्चित रूप से आगामी आने वाले समय में वो कोई ना कोई रणनीति तैयार करके आंदोलन का भी रूप वो दे सकते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं राजनीति भी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय लोहान तमाम जानकारी के लिए। तो मकान गिराने प्रशासन पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक सिर्फ बाड़ों को तोड़ा गया है, अंदर मकान अभी तक नहीं तोड़े गए हैं। हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा ये गांव है। काफी सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने अभी ये आज राखी गांव में पुरातत्व विभाग की जो जमीन पर अवैध कब्जा था लोगों का, उसको हटाने के लिए एक कंपेन अभियान चलाया गया था। मॉर्निंग में सभी इस अभियान को चलाया गया था और जिसको सक्सेसफुली बड़े अच्छे सुनील ढंग से और शांति से निपटा लिया। ये करीबन 44 मकान थे और इतनी संख्या में और भी अवैध जो कब्जे थे प्लॉट में, तो